नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के स्वतंत्र राज्य, जो कि इसका दूसरा पार्ट होगा। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी बंगाल का स्वतंत्र राज्य, जो कि उसका पहला पार्ट था। इसमें हमने बात की थी किस तरीके से बंगाल में स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ और मुर्शीद कुली खां, जो कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने किस तरीके से बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया तो उसे ज़रूर देखिए, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हमारे किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आज का इस वीडियो में हम सब जानेंगे किस तरीके से सिराजुद्दौला जो है उन्होंने अलीवर्दी खां के बाद बंगाल के शासन को संभाला और किस तरीके से बहुत ही जल्दी सिराजुद्दौला का पतन भी हुआ। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री का पुत्र, इट मींस जो सिराजुद्दौला था वो अलीवर्दी खां का नाती था। तो अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला जो था वो अपने पूरे नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला। तो जो सिराजुद्दौला थे इनका पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला, और ये इसी नाम से बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के कई विरोधी थे, चूँकि जो अलीवर्दी खां था उसका जो है कोई पुत्र नहीं था जो शासन संभाल सके, तो इस वजह से उसकी पुत्री का जो पुत्र था उसने शासन संभाला। तो अलीवर्दी खां की कई पुत्रियां थी जिनसे कई पुत्र भी थे, तो इस तरीके से जो बंगाल की नवाबी थी उसके कई दावेदार थे। तो इसी को लेकर के सिराजुद्दौला के कई विरोधी थे, जिसमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग जो था वो सिराजुद्दौला की मौसी का लड़का था। इसके अलावा घसीटी बेगम, जो कि ढाका के नवाब की विधवा पत्नी थी, ये सभी बंगाल की नवाबी के दावेदार थे। इसके अलावा प्रभावशाली हिंदू में राजवल्लभ और अंग्रेज, ये सभी सिराजुद्दौला के विरोधी थे और ये किसी न किसी तरीके से बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। लेकिन सिराजुद्दौला ने अपनी कूटनीति और कुशलता से इन सभी का सामना किया और समय रहते अपने सभी शत्रुओं को परास्त भी किया। सिराजुद्दौला अंग्रेजों को अपने सबसे बड़ा शत्रु मानता था। जो सिराजुद्दौला था वो सबसे बड़ा शत्रु जो है अंग्रेजों को मानता था, और उसका अंग्रेजों से संघर्ष होने के निम्न कारण थे। तो इसने जो सबसे अधिक संघर्ष किया वो अंग्रेजों से ही किया, जो कि चूँकि जो नवाब शौकत जंग और घसीटी बेगम थे इसने इनको अपनी सूझबूझ से शांत करा दिया था, और जो बंगाल की नवाबी की दावेदारी थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन जो सबसे अधिक इनका संघर्ष था वो अंग्रेजों के साथ था। अंग्रेजों से संघर्ष होने के जो महत्वपूर्ण कारण थे वो कौन थे? सिराजुद्दौला के विरोधियों के नेता राजवल्लभ, जिसकी चर्चा हमने की थी कि ये विरोधियों में शामिल थे, तो राजवल्लभ और उसके पुत्र कृष्णवल्लभ, इन दोनों को कलकत्ता में शरण देने वाला जो था वो कौन था? अंग्रेजों ने इन दोनों को कलकत्ता में शरण दे रखी थी। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से उन्हें सौंपने को कहा तो उन्होंने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तो इस तरीके से ये पहला कारण था कि जो अंग्रेज थे और सिराजुद्दौला थे इनके मध्य युद्ध हो, चूँकि जो इनके विरोधी थे उनको शरण देने वाले अंग्रेज थे, तो इस वजह से ये पहला युद्ध का कारण था। इसके अलावा जो अंग्रेज थे वो शौकत जंग को नवाब के प्रति भड़का रहे थे, अंग्रेजों ने दोबारा शौकत जंग को भड़काना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो तीसरा कारण था वो ये था कि फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर मुगल बादशाह था, तब उसने अंग्रेजों को बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो जो अंग्रेज थे वो इसी अनुमति का जो है अनुचित उपयोग कर रहे थे, वो इस चुंगी विहीन जो व्यापार था, चुंगी कर विहीन व्यापार था, इस व्यापार को दुरुपयोग करके बंगाल का जो राजस्व था उसमें हानि पहुंचा रहे थे। तो महत्वपूर्ण कारण था कि बंगाल के जो राजस्व था उसमें हानि, जो कि सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जो युद्ध का कारण बना। तो जैसा कि यहाँ स्पष्ट लिख भी दिया गया है कि इसी कृत्य से राज्य की आय को बहुत हानि होती थी और सिराजुद्दौला इस चीज़ का विरोध भी करता था। तो ये भी महत्वपूर्ण कारण थे
कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य में युद्ध हो। इसके अलावा सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना ही अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने दुर्गों का निर्माण कर रहे थे। जब अली वर्दी खां का शासन था, उस समय जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे वो अपने दुर्गों की किलेबंदी नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही अली वर्दी खां की मृत्यु हुई, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब जो बंगाल है वहाँ पर ये अपनी किलेबंदी कर सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज और फ्रांसीसी बिना नवाब की अनुमति के ही अपने दुर्गों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। जब नवाब ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो फ्रांसीसियों ने तो अपना काम बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसके आदेश का पालन नहीं किया। तो इस तरीके से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हुए जिनसे अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य टकराव हुआ। सिराजुद्दौला ने सबसे पहले कासिम बाजार पर आक्रमण किया। अंग्रेजों सिराजुद्दौला ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया? कासिम बाजार पर। कासिम बाजार पर आक्रमण से अंग्रेज जो है वो भयभीत हो गए और वहाँ का जो सेनाध्यक्ष था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया, क्योंकि कलकत्ता जो था वो अंग्रेजों के द्वारा ही बसाया गया था और उस पे जो शासन था वो अंग्रेजों का ही था। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में लिया। कलकत्ता का जो गवर्नर था, गवर्नर ड्रेक, और वहाँ का जो सेनापति था मिंचन, ये दोनों नवाब से डर करके फुलटा द्वीप में भाग गए। इन्होंने फुलटा द्वीप में शरण ली। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि जिस समय सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तो वहाँ का नवाब, सॉरी वहाँ का गवर्नर और जो सेनापति था वो कहाँ भाग के शरण लिए? तो वो फुलटा द्वीप भाग गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने शरण ली। कलकत्ता का जो उन्होंने आक्रमण किया उस पर इन्होंने विजय प्राप्त की और कलकत्ता पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, फोर्ट विलियम पर अधिकार किया, और कलकत्ता का नाम जो है अली नगर रखा। फोर्ट विलियम जो कि अंग्रेजों का बसाया हुआ एक किला था, इस पर उन्होंने अधिकार किया और जो कलकत्ता नगर था इसका नाम बदल करके अली नगर रखा। तो एक पॉइंट यहाँ से ये बनेगा कि अली नगर जो नाम रखा कलकत्ता का वो किसने रखा? तो ये नाम रखा था सिराजुद्दौला ने, जब उन्होंने फोर्ट विलियम कॉल उस पर किले पर अधिकार किया था तब उन्होंने कलकत्ता का नाम बदल करके अली नगर रखा। और ऐसा माना जाता है कि इतिहास में जो काल कोठरी की घटना का वर्णन सुनने को मिलता है वो घटना यहीं पर हुई थी। जो काल कोठरी की घटना है, दुर्घटना है, इसका जो वर्णन किया है वो मिस्टर हॉलवेल ने अपनी पुस्तक एलाइव द वंडर में किया है, जो कि उस घटना के जो है दर्शक माने जाते हैं जिन्होंने उस घटना को देखा और उस घटना में वो शामिल भी थे। इस घटना में क्या हुआ था कि नवाब के आदेश में 146 अंग्रेज कैदियों को जब उन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार किया तो 146 अंग्रेज कैदी जिसमें स्त्रियां और बच्चे सभी शामिल थे, सभी अंग्रेज थे, इनको नवाब के आदेशानुसार एक अंधेरी कोठरी जो कि 14x18 की थी, तो एक छोटी सी कोठरी में 20 जून को 146 अंग्रेज कैदियों को बंद किया। तो भीषण गर्मी के दौरान जब इनको बंद किया गया तो जब 2 दिन बाद ये कोठरी खोली गई तो दम घुटने के कारण 123 व्यक्ति मर चुके थे और जो बाकी शेष बचे थे उसमें मिस्टर हॉलवेल भी जीवित बचे थे, जिन्होंने बाद में अपनी पुस्तक एलाइव द वंडर में इस दुर्घटना का जो है जिक्र किया हुआ है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस घटना को सच नहीं मानते हैं, उनको उनका मानना यह है कि इस घटना को अंग्रेजों ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताया जिससे वो सिराजुद्दौला को एक क्रूर शासक बता सकें। तो ये घटना घटित हुई या नहीं हुई ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, मिस्टर हॉलवेल की पुस्तक में ही ऐसा लिखा हुआ है, आधुनिक इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अली नगर की संधि। अली नगर की संधि किस तरीके से हुई? कलकत्ता पर अधिकार का जब खबर मद्रास पहुंची तो मद्रास के जो अंग्रेज गवर्नर थे उन्होंने नौसेना और एक पैदल सेना, किसके किसके नेतृत्व में? नौसेना भेजी उन्होंने एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में और एक पैदल सेना कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता के लिए रवाना की। वहां पर जाकर के जो क्लाइव थे उन्होंने पुनः कलकत्ता पर अपना अधिकार किया। 1757 जनवरी में इन्होंने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। विवश होकर के सिराजुद्दौला ने अली नगर की संधि
कि अलीनगर की संधि में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। एक पॉइंट यहाँ पर और बनता है कि क्लाइव ने दोबारा कलकत्ता पर अधिकार कब किया, तो क्लाइव ने जनवरी 1757 को पुनः कलकत्ता पर अधिकार किया। इस संधि के अनुसार जो अलीनगर संधि हुई उसके अनुसार 3 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को दिए। इसके अलावा अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने का भी अधिकार दिया गया। और इसके अलावा संधियों में जो पूर्व में ये चुंगी कर से मुक्त व्यापार करते थे उसको पुनः इन्होंने शुरू करवाया, जिसमें कोई रोक टोक नवाब के द्वारा नहीं होगी, ऐसा इन्होंने सिराजुद्दौला से संधि पर हस्ताक्षर कराए। इसके अलावा कलकत्ता की जो किलेबंदी थी, जो कलकत्ता नगर था उसकी जो किलेबंदी थी वो अंग्रेज़ अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे की महत्वपूर्ण चीज़ें सिराजुद्दौला से एक पत्र पर साइन करा लिए। तो इस तरीके से अलीनगर की संधि संपन्न हुई। इसके पश्चात अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से उसके महत्वपूर्ण नगर चंद्रनगर को छीना। चंद्रनगर जो कि फ्रांसीसियों का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था, जिस तरीके से कलकत्ता बसाया गया था उसी तरीके से चंद्रनगर को भी फ्रांसीसियों ने अपना महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। लेकिन इस युद्ध के पश्चात इनकी शक्ति जो थी वो इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को छीन लिया और अपनी स्थिति को इन्होंने काफ़ी मजबूत कर लिया। इसके बाद जो क्लाइव था वो इस चीज़ों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसका जो मेन उद्देश्य था वो था पूरे बंगाल पर अंग्रेजी शासन को आधिपत्य करना। जो अंग्रेज शासन है वो पूरे बंगाल पर किस तरीके से स्थापित हो, ये उसकी महत्वाकांक्षा थी। इस तरीके से उसने नवाब के विरुद्ध जो है एक षड्यंत्र रचा। तो नवाब के विरुद्ध क्लाइव ने किस तरीके से षड्यंत्र रचा, तो ये जानते हैं। क्लाइव ने नवाब के दरबार के प्रमुख व्यक्तियों के साथ साजिश की और विश्वासघात का एक जाल बिछाया। तो इस जो साजिश में कौन कौन शामिल था, इस साजिश में मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये दोनों जो हैं ये नवाब सिराजुद्दौला की सेना के महत्वपूर्ण सेनापतियों में से एक थे। इसके अलावा मानिक चंद्र, अमी चंद्र और जगत सेठ। जगत सेठ जो कि बंगाल का उस समय का सबसे धनाढ्य व्यक्ति माना जाता था, ये सभी जो हैं एक साजिश के अनुसार आपस में मिले और सभी ने अपने अपने फायदे के लिए नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया। मीर जाफर जो कि बंगाल का नवाब बनना चाहता था, अमी चंद जो कि एक बिचौलिया का काम करता था और इसका काम था सिर्फ और सिर्फ एक दूसरों को लड़ा करके उनसे कमीशन प्राप्त करना। तो सभी ने एक दूसरे को जो हेल्प की वो अपने फायदे के लिए की और इन सभी का जो शिकार हुआ वो कौन हुआ, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। इसी साजिश के तहत प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध में क्या हुआ, साजिश के फलस्वरूप क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। चूंकि अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हो चुकी थी, तो जो क्लाइव था उसने सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया और उस पर आक्रमण कर दिया। इसी क्रम में 12 जून 1757 ईस्वी को उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद पर आक्रमण कर दिया। मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल की राजधानी थी उस पर इन्होंने आक्रमण किया। उसने सबसे पहले राजधानी के द्वार कहे जाने वाले कटवा पर अधिकार किया। कटवा जो कि राजधानी का प्रवेश द्वार कहलाया जाता था, उस महत्वपूर्ण स्थान पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। जब आक्रमण की सूचना नवाब को मिली तो वो भी अपने 50,000 सैनिकों के साथ नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी के मैदान पहुंच गया। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो प्लासी है वो कहाँ पर स्थित है। जो प्लासी का जो मैदान है वो नादिया जिले में स्थित है, जो कि मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर स्थित है और यहीं पर भागीरथी नदी के तट पर ये जो है प्लासी का मैदान स्थित है। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भागीरथी नदी के तट पर और नादिया जिले में है। तो वहाँ पर नवाब की सेना और अंग्रेजी सेना आमने सामने हुई। जो चूंकि ये एक षड्यंत्र था तो इस षड्यंत्र के अनुसार जब नवाब ने आक्रमण का आदेश दिया तो उस समय राय दुर्लभ और मीर जाफर जो कि महत्वपूर्ण सेनापति थे जिनके अंडर में नवाब की बहुत सारी सेना आती थी, तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और आक्रमण में इन्होंने अपने सैनिकों को नहीं भेजा। नवाब के कुछ महत्वपूर्ण सेनापति थे जो कि इसके
नवाब के साथ में थे और अंग्रेज़ों का साथ उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने ही दुश्मन का सामना किया, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम थी कि वो बहुत ही जल्द अंग्रेजी सेना से परास्त हो गए। जब नवाब को इस स्थिति का पता चला तो उन्हें मजबूर होकर के वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और मीर जाफर का जो पुत्र था उसने इसकी हत्या करवा दी। तो इसको पकड़ करके जो हत्या करवाई वो मीर जाफर के पुत्र के द्वारा कराई गई। तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा इसकी हत्या कराई थी। तो इसकी जो हत्या की वो किसने की? मीरन ने, और किसके द्वारा कराई? मोहम्मद बेग के द्वारा इनकी हत्या कराई गई थी। तो इस तरीके से सिराजुद्दौला की हत्या करके मीर जाफर जो था वो बंगाल का नवाब बना। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरीके से जो बंगाल की नवाबी थी वो अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। जो भी आगे बंगाल का नवाब बने वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के ही पक्ष की बातें, और उन्होंने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बंगाल के अगले नवाब कौन हुए और किस तरीके से बंगाल की राजनीति और वहाँ का जो शासन था उसमें परिवर्तन आए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको इजीली अवेलेबल हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो को ज़्यादातर लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।